किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया है, एक पार्क का चक्कर लगाती हैं, जैसे गोल है उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने को रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि दौड़ लगाता है, मैदान के एक चक्कर में उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं और एक ही दिशा की ओर चलते हैं, कितने समय बाद वह पूर्ण प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि एक आपके पास गोल चक्कर है, यहाँ पर सोनिया भी खड़ी है और रवि भी खड़ा है, दोनों के दोनों चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने को और रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों चक्कर लगा रहे हैं, वो कहता है कि यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे तो दोनों ही यहाँ पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि रवि है वो 12 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेगा, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लगेंगे, यानी कि रवि आपका तेज़ भाग रहा है सोनिया से। तो आपको बताना है कि आपका समय ज़्यादा लगेगा कम लगेगा। आपका समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि 12 मिनट में तो रवि आपका चक्कर लगा लेगा, लेकिन सोनिया आपके 18 मिनट में लगेगी। क्या बताइए, रवि दो चक्कर या तीन चक्कर लगा के आए तो सोनिया आपको यहाँ पर उसको दोबारा मिलेगी, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 18 मिनट से ज़्यादा आएगा। जब भी आंसर दो वैल्यू में से ज़्यादा आंसर आपको दिखाई देगा तो हमेशा आप निकालेंगे एलसीएम। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले 18 के हम बना लेते हैं गुणन, 18 के गुणनखंड बनाएंगे, तुम्हारे पास आएगा 2, 9, 3, 3, 3 और 1, तो हमारे वैल्यू आएगी 2 × 3^2। फिर हम ले लेते हैं 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड हमारे पास बनेंगे 2, 6, 2, 3, 3 और 1, यानी कि 2^2 × 3। हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम सभी वैल्यू आएंगी और मैक्सिमम पावर आएंगी। तो इसमें मैक्सिमम कौन सी है, 2^2 है, इन दोनों मैक्सिमम कौन सी है, 3^2 है, यानी कि 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 मिनट बाद वह दोनों इसी पॉइंट पे मिलेंगे। हमें चक्कर नहीं बताना है कितने चक्कर किसने लगाए, लेकिन दोनों भागना चालू करेंगे। सोनिया ने भागना चालू किया, चक्कर लगाने चालू किए, रवि ने चक्कर लगाए, दोनों यहीं से भागेंगे, यहीं आके दोबारा मिलेंगे। वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पे आके वो मिलेंगे। अगर क्वेश्चन ये कहता कि सोनिया इधर भाग रही है और रवि इधर भाग रहा है, यानी कि दोनों आमने सामने भाग रहे हैं, तो कितने मिनट बाद वो मिलेंगे, यानी कि आप में 18 और 12 से छोटा आंसर रहेगा, यानी आपको निकालना पड़ेगा SCF। तो मैं SCF निकालूंगा। तो SCF मेरे पास होता है कॉमन वैल्यू होने चाहिए और सबसे कम पावर वाली होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कॉमन 2 है, पावर मेरे पास मिनिमम कौन सी है, 2 है, और इन दोनों में कॉमन है 3, तो छोटी पावर वाले कौन से हैं, 3। तो वह 6 मिनट के बाद वह किसी पॉइंट पे, मैं कहता हूँ रवि इधर भाग रहा है और सोनिया इधर भाग रही है, तो मैं कहता हूँ ये दोनों इसी पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पर वो मिल जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं। तो आपको निकालना पड़ेगा SCF। अगर क्वेश्चन कहता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 6 मिनट बाद मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपका कितना है, क्वेश्चन का आंसर आपका है 36 मिनट। दोस्तों यही आपका उत्तर, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये आपका उत्तर नहीं है।